जनपद में चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। इसके साथ प्रत्याशियों को सिंबल भी वितरण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों को निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा सभी प्रत्याशी गाड़ी रैली जनसभाओं का परमिशन लेकर ही करेंगे। इसके लिए सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक भी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि एक प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए अपने साथ 10 गाड़ियां लेकर चल सकेगा और एक गाड़ी में केवल 5 लोग ही बैठेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, चुनाव प्रचार तो अभी लगातार चल ही रहा है और आज अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स और प्रत्याशियों की सूची फाइनल हुई है। बैलेट पेपर फाइनल हुआ है, वो प्रिंटिंग के लिए गया है और वो आचार संहिता का गाइडलाइन हमने सभी राजनीतिक पार्टियों को और प्रत्याशियों को दिया हुआ है, उनके इलेक्शन एजेंट को दिया हुआ है। उसका 100% पालन करने के लिए हम करेंगे हर एक घटक में, चाहे वो गाड़ियों का है, टेम्प्रेरी ऑफिस का हो, रैली, जनसभाएँ, जनसंपर्क कार्यक्रम, सभी के लिए हम लोगों ने गाइडलाइन आयोग का जो है यहाँ स्पष्ट करते हुए अनेकों बार प्रशिक्षण भी दिया है, संवाद स्थापित किया है।